क्षति कुछ भी नहीं है, पूरा गांव गर्वित है। ये शहरों का गांव है, मुझे गर्व है कि देश का ये जो सपूत है मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो गया है, ये मुझे गौरवान्वित करके गया है, मेरी छाती चौड़ी करके गया है। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा भाई हमारे गांव का देश का नाम रोशन करके जा रहा है। क्षति कुछ भी नहीं है, पूरा गांव गर्वित है। यह शहरों का गांव है, यहाँ कई दर्जन सैनिक लोग सेना की रक्षा कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि देश का ये जो सपूत है मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो गया है, ये मुझे गौरवान्वित करके गया है, मेरी छाती चौड़ी करके गया है। मुझे कतई कोई दुख नहीं। जब यहाँ से मतलब जो है आखिरी वक्त ये बात हुई थी कि मतलब जो है हम फरवरी में आएंगे और लड़के तुम चिन्हित कर लेना, हम फिर उनको देख लेंगे शादी के लिए, तो दोनों की शादी कर देंगे दोनों बहनों। ये शोक का भी समय है, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा भाई हमारे गांव का देश का नाम रोशन करके जा रहा है और हम लोगों में एक नया जज्बा पैदा कर रहा है। वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और हमारे जो भाई लोग 5 दिन से इंतजार कर रहे हैं उनमें अलग ही जोश और जज्बा है। आज भाई का पार्थिव शरीर गांव में आ रहा है तो हम लोगों में नया संदेश है। आप लोगों ने पूरे घर में तिरंगे लगाए हैं जी, तो दोस्त को आखिरी बार बधाई करने के लिए आप पूरा गांव क्षेत्र सभी लोग हमारा दोस्त हमसे 1 साल पहले मिला था क्योंकि 1 साल से मैं भी बाहर था। लास्ट समय हम लोगों में काफ़ी दूरियां हो गई। जब मैं छुट्टी आया तो वो नहीं रह पाया आपस में। आखिरी समय हम लोगों की यही बात हुआ करती थी कि घर में आप ठीक है सेवा, अभी भी हम लोग तैयारी कर रहे थे तो लगे रहो कहीं हो जाएगा। घर के बारे में, गांव के बारे में और लोगों को जो हमसे छोटे भाई लोग हैं तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में मैं ऐसा बात करता था।